नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सान फैशन डिजाइनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा स्लीव डिजाइन बनाकर दिखाएंगे, और ये डिजाइन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। हमारी वीडियो को सिर्फ एक बार देखकर आप इस डिजाइन को काफी आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमने बुकरम का पीस लिया हुआ है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमने इसकी 11.5 इंच ले रखी है। इसे बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर कुछ मार्क्स लगाएंगे। ये 1.25 इंच पर हम यहाँ मार्क लगा रहे हैं। ये देखिए, 1.25 इंच पर हमने ये मार्क लगाया है, और इन सभी मार्क को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, और ऊपर से हमें 1/2 इंच पर निशान लगा लेना है ऐसे, और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी बीच में जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच तैयार आ गई है। तो दोस्तों, ये हमने अपनी स्लीव्स की नॉर्मल ही कटिंग की हुई है, आप अपने साइज के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये हमने कुछ मैचिंग पट्टियां भी ली हुई हैं, जिनका यूज हम आपको डिजाइन बनाते समय बताएंगे। तो अब हम इन पट्टियों की चौड़ाई भी आपको बता देते हैं। जो हमारी स्लीव्स की सेम पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली हुई है, और जो हमारी मैचिंग पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली हुई है। अब हम इसके ऊपर अपनी बुकरम को चिपकाएंगे, ऐसे सेंटर में रखकर इसे प्रेस से चिपका देंगे। ये हमने अपनी बुकरम को स्लीव्स के ऊपर सीधी साइड चिपका दी है। अब हम इसकी बीच से कटिंग करेंगे। और इसे ऐसे आयरन से सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, अब डिजाइन बनाने के लिए हम अपनी पट्टियों को बनाएंगे। ये हमने मैचिंग कलर की 2 इंच की पट्टी ली हुई है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है, और ये हमारी सेम पट्टी है, इसकी हमने चौड़ाई 1.5 इंच ली हुई है। हम इसके ऊपर इसे ऐसे रख लेंगे, और एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद हमें इस साइड ऐसे रख लेना है, इसे इस साइड भी हमें बराबर रखना है। उसके बाद एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, और नीचे की साइड हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, कैसे ये तैयार होती है पट्टी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम अपनी मैचिंग पट्टी को रखेंगे, और उसके ऊपर सेम पट्टी को, और दोनों को यहां से मिला लेंगे, और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने एक साइड सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों पट्टियों को ऐसे आपस में मिलाएंगे, दूसरी साइड भी, और इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसे पलट लेंगे। ऐसे हमने पलट ली है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, और दोनों साइड बराबर पाइपिंग हमारी नजर आ जाएगी। और ये हमने प्रेस लगाकर अपनी पट्टी को जमा दिया है, और दोनों तरफ पाइपिंग नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम अपनी सभी पट्टी तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम ये 4 4 इंच लंबी कुछ पट्टियों की कटिंग करेंगे ऐसे। ये 4 इंच लंबी हमारी पट्टी है, और अब हम अपनी सभी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। और ये हमने अपनी सभी पट्टियों की कटिंग कर दी है।
अब हम यहां से इस प्रकार से इसे मोड़ेंगे और इस साइड से इस साइड 1.5 इंच दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे, ऐसे इस प्रकार से मोड़ेंगे और ये यहां पर 1.5 इंच दूरी पर बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपनी पट्टी को एक साइड से ऐसे मोड़कर यहां से 1.5 इंच दूरी पर एक सिलाई लगा ली है और अपनी सभी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसे बुकरम के पीस पर रखेंगे जो हमें अपनी स्लीव्स के अंदर लगा देना है। ये हमने 4 इंच चौड़ा एक बुकरम का पीस ले रखा है और लंबाई इसकी हमारी जो स्लीव्स का कट है उसके हिसाब से ले रखा है। तो अब हम इसे ऐसे कपड़े के नीचे ऐसे रखेंगे और दोनों तरफ से हमारी बुकरम अंदर की साइड चली गई है। अब हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने बुकरम को कपड़े के अंदर रखकर चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर अपनी पट्टियों को इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे हम अपनी पट्टियों को तिरछा रखेंगे और हमारी पट्टी की दूरी 1/2 इंच होगी। और अपनी पट्टियों को कुछ इस प्रकार से रखेंगे और इनकी दूरी यहाँ भी बराबर 1/2 इंच आनी चाहिए और यहाँ भी हमारी दूरी 1/2 इंच नजर आनी चाहिए और इनके दोनों तरफ हम सिलाई लगाकर इन सभी पट्टियों को यहाँ पर चिपका देंगे। और अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हम नीचे की साइड से लगाएंगे। तो ये हमने अपनी सभी पट्टियों के दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अपनी स्लीव्स में अटैच करेंगे, ऐसे और इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा देंगे। तो हमें सिलाई अपनी यहां से शुरू करनी है ऊपर से, ये हमारा बिल्कुल सेट आ जाएगा। और ये हमने अपने डिजाइन को अपनी स्लीव्स में अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम यहां पर एक डिजाइन बनाएंगे। ये हमने बुकरम का पीस लिया हुआ है 3 इंच चौड़ा और इसकी लंबाई हमने ली हुई है अपने स्लीव्स के हिसाब से। इसे ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और एक निशान हम यहां पर लगाएंगे, ऐसे और एक निशान ऐसे। इसके बाद 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान इसके नीचे लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और ये देखिए हमारी बुकरम का पीस कट गया है। अब हम इसे मैचिंग कपड़े पर चिपकाएंगे और इसके आगे ऐसे लगाकर इसका डिजाइन तैयार करेंगे। और ये हमने अपनी बुकरम को मैचिंग कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम इसके नीचे एक और कपड़ा रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर ऐसे रखने के बाद यहाँ बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगा देने के बाद एक पैर कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। और यहां पर एक कट लगाएंगे और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। और ये हमारा पीस सीधा हो गया है।
अब हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। और सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसे सीधा ऐसे करेंगे और जहां तक हमारी बुकरम है उससे एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम ऐसे सेंटर में अपनी स्लीव्स के ऊपर ऐसे रख लेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ये हमने सिलाई लगाकर अपनी पट्टी को ऐसे लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स को अपने नाप के हिसाब से यहां पर ऐसे लगाकर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम यहां पर कुछ मोती लगाएंगे और हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।